गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपना सिंगापुर वीज़ा किस तरीके से उसका स्टेटस पता कर सकते हैं, या फिर अगर आपका सिंगापुर वीज़ा आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं जानता हूँ ये वीडियो काफ़ी समय के बाद आ रहा है, बट अब रेगुलर वीडियोज़ दोबारा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे टूर वगैरह भी चल रहे थे तो इस वजह से थोड़ा डिले चल रहा था, बट अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको अपना सिंगापुर वीज़ा का स्टेटस चेक करना है या फिर आपको अपना वीज़ा डाउनलोड करना है, ठीक है, तो दोनों केसेस के लिए आपको आपका रेफरेंस नंबर चाहिए होगा। अब ये रेफरेंस नंबर कहाँ से मिलेगा? मान लीजिए आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो जिस भी ऑथराइज वीज़ा एजेंट के थ्रू आपने अपना वीज़ा अप्लाई किया है उसको एक रेफरेंस नंबर मिलता है। ठीक है, वो रेफरेंस नंबर आप उनसे मेल पे मंगवा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। ये मेरे पास एक वीज़ा है जो रिसेंटली ही लगा है अभी। ठीक है, इसकी मैं डिटेल्स हाइड कर देता हूँ। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि रिसेंटली ही इशू हुआ है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ नीचे जब आप पढ़ते हैं तो इम्पोर्टेंट नोट के अंदर यहाँ लिखा आता है, दिस ई वीज़ा इज इशूड टू यू बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन नंबर दिस। ठीक है, सो ये एप्लीकेशन नंबर होता है। अगर आपने दिल्ली में अप्लाई किया है तो DEL के थ्रू ऐसा कुछ होगा, अगर आपने मुंबई में अप्लाई किया है तो उसका कोड अलग होता है, MUM करके शायद, तो उसका अलग होता है। अब यहाँ पे ये आपको रेफरेंस नंबर कॉपी कर लेना है। सिंपली आप ये रेफरेंस नंबर कॉपी करिए और दोबारा आपको इस साइट पे आ जाना है। ये जो ICA की साइट है, ठीक है, सिंगापुर की ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट एजेंसी की, सो इस पे आपको आ जाना है। इस पेज का लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, इस पेज पे आने के बाद या तो आपको ये पेज ओपन होगा या फिर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। सो अगर ये वाला इंटरफेस ओपन करता होता है तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है और इंक्वायर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर देना। ये पेज ओपन होने के बाद आपको सिंपली अपना रेफरेंस नंबर यहाँ पे एंटर कर देना। रेफरेंस नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछता है एप्लीकेंट्स ट्रेवल डॉक्यूमेंट नंबर, यानी आपका पासपोर्ट नंबर। सो आपको अपना पासपोर्ट नंबर भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। सिंपली यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, आई एम नॉट अ रोबोट, एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी एप्लीकेशन की, जो भी स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इन दिस केस आप देख सकते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन इज़ अप्रूव। ठीक है, इनका वीज़ा उसी दिन अप्रूव हो गया था जिस दिन अप्लाई हुआ था। सो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे आपको प्रिंट ई वीज़ा का ऑप्शन मिल जाता है। आप डायरेक्टली यहाँ से वीज़ा डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट मल्टीपल जर्नी वीज़ा वैलिड फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल फॉर अ शॉर्ट स्टे पर एंट्री इज अप्रूव। यानी इनको 2 साल का वीज़ा मिला है मल्टीपल एंट्री, और मोस्टली जो पासपोर्ट दिल्ली से इशू होते हैं उनको 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता है। बाकी जो पासपोर्ट हरियाणा या फिर पंजाब से इशू होते हैं उन केसेस में क्या होता है, 2 महीने का वीज़ा ही इशू होता है ज़्यादातर। सो ये बेसिक आपका प्रोसेस था अगर आपका वीज़ा आपको डाउनलोड करना है, स्टेटस पता करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से पता कर सकते हैं, या तो आपका वीज़ा डिनाई हो चुका होगा या अप्रूव होगा या फिर पेंडिंग होगा। सो जो भी स्टेटस है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको वीज़ा अप्लाई करवाना है या फिर बेसिक स्टेटस भी चेक करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली आप हमें कांटेक्ट करिए, नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।